परंतु आपके गली मोहल्ले में से अगर उठकर कोई परमेश्वर के ज्ञान की आत्मा से परिपूर्ण है और वो बता रहा है, अरे बेकार का आदमी है, पैदल चलने वाला, साइकिल पे आने वाला, ये क्या बताएगा, पसीना चूता है, इसकी कौन सुनेगा। यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के बारे में और प्रकाशित वाक्य की इस श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय के 4 पद में हम लोग 7 आत्माओं के विषय में बात कर रहे हैं। पिछले संदेश में हमने 5वीं आत्मा के बारे में अर्थात पराक्रम की आत्मा के बारे में सीखा था कि परमेश्वर जो है कैसे अपना पराक्रम का आत्मा वो लोगों पर उतारता है, अपनी शक्ति का, अपने पराक्रम का प्रदर्शन उसने कैसे करता है और किस तरीके से जिसके जीवन में परमेश्वर के पराक्रम का आत्मा, शक्ति का आत्मा पाया जाता है, वो निडर की आत्मा से परिपूर्ण होता है। निडर की आत्मा यानी पराक्रम की आत्मा, और परमेश्वर कैसे उसके द्वारा जो है अपनी शक्ति का, अपना पराक्रम का प्रदर्शन करता है। परंतु मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम सीखेंगे ज्ञान की आत्मा के विषय में। जी हाँ, परमेश्वर के ज्ञान के आत्मा के विषय में। आज ये परमेश्वर का ज्ञान है क्या आखिर? आज बहुत से लोग जो हैं इस गलत फहमी में जीते हैं कि वो परमेश्वर के ज्ञान से बहुत ज्यादा भरे हुए हैं, और खास तौर से जब बहुतों ने बाइबल थियोलॉजी करी होती है, बाइबल में उन्होंने PhD करी होती है, तो जिन्होंने PhD करी है, जिन्होंने थियोलॉजी करी है, वो अपने आगे जो दूसरे लोग हैं उनको कुछ नहीं समझते हैं। वो समझते हैं कि हमारे पास परमेश्वर का बहुत ज्ञान है, क्योंकि हमने 3 साल 6 साल 7 साल 14 साल जो है परमेश्वर के ज्ञान के बारे में पढ़ाई करके उसकी डिग्री हासिल करी है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर के वचन की आपने कितनी भी डिग्रियां ले रखी हो, कितनी भी नॉलेज आपको क्यों ना हो, परंतु जब तक आप परमेश्वर के ज्ञान के आत्मा से परिपूर्ण नहीं होंगे, आप परमेश्वर के वेदों को नहीं समझ सकते हैं। जब हम नए नियम में बात करते हैं, जब हम नए नियम की बात करते हैं, आज जब हम, क्योंकि ज्यादातर कलीसिया की जो उत्पत्ति हुई है वो नए नियम से लोग मानते हैं, जब हम नए नियम की बात करते हैं, परमेश्वर के नए नियम में उसके वचन के प्रचार की बात करते हैं, तो आज की तारीख में बहुत से लोग जो हैं इस दुनिया में बहुत ज्ञानी बने घूम रहे हैं, बहुत विद्वान बने घूम रहे हैं, और परमेश्वर के वेदों को वो अपनी तरीके से, उस वचन को अपनी समझ के अनुसार जो है वो पेश कर रहे हैं, जो लोगों पर बहुत गलत असर डाल रही है। और आज लोगों की स्थिति और परिस्थिति कैसी है ये भी हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। मगर एक बात बताना चाहूंगा कि जब हम ज्ञान की बात करते हैं तो परमेश्वर ने चुना किसको है। ठीक है, आपने पीएचडी बाइबल में पीएचडी हासिल करी है, आपने बाइबल के में थियोलॉजी को पढ़ा है बहुत ज्यादा, 6 साल 7 साल आपने थियोलॉजी पढ़ी है, बाइबल को लेकर आपने बहुत ज्ञान हासिल करा है, मगर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जरा मेरे साथ निकाल लीजिए 1 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय उसका 26 और 27 पद पढ़ रहा हूं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां लिखा है 26 पद में, हे भाइयों अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए हैं, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। यहां पर 2 बातें हैं। सबसे पहली बात क्या है, परमेश्वर ने मूर्खों को चुन लिया। मूर्खों को चुनने का मतलब क्या है, अनपढ़ों को। जी हाँ, जब हम चेलों के करैक्टर की बात करते हैं, जब हम चेलों, जो प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले रहे हैं, उनमें ज्यादातर, सबसे ज्यादा क्या थे, वो सब मछुआरे थे, मछली पकड़ने वाले थे, और सब अंगूठा टेक थे। उनके पास से किसी के पास ऐसा ज्ञान नहीं था जो आज जब हम उन परमेश्वर के वचन में उनके लेखकों के बारे में पढ़ते हैं, उन्होंने जो किताबें लिखी हैं, उन्होंने जो पत्रियां लिखी हैं, जब उनके बारे में पढ़ते हैं, जब उनकी भाषा शैली के बारे में पढ़ते हैं, तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, इन्होंने कौन सा थियोलॉजी ली। ये प्रभु यीशु मसीह के साथ 3 साल रहे और उन बातों को वो सुनते रहे, मगर इसके बावजूद भी वो उस ज्ञान से परिपूर्ण नहीं थे। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग जाने से पहले उनसे एक बात कही कि तुम लोग यरूशलम में ठहरे रहना कि जब तक तुम्हें सामर्थ ना मिले, जब तक तुम्हें वो सहायक तुम्हें ना मिले, जो
प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील में जब 15-16 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि जब सत्य का आत्मा आएगा तो वो मेरी बातों में से तुम्हें बताएगा, वो सत्य बताएगा, वो सहायक जो है, वो सत्य का आत्मा जो है वो मैं तुम्हें दूंगा। अब ये सत्य का आत्मा क्या, ये सत्य का आत्मा जो है वो सहायक जो है, जिसके पवित्र आत्मा की चर्चा करी है प्रभु यीशु मसीह ने, वो पवित्र आत्मा ही वो ज्ञान का आत्मा है। जी हाँ, वो ज्ञान का आत्मा है कि ये वो चेले तब तक वो ज्ञानवान नहीं रहे, मगर कब हुए, जब परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर उतरा, तब वो परमेश्वर के आत्मा ने उनको परमेश्वर के ज्ञान से परिपूर्ण किया, परमेश्वर के ज्ञान से भर गए। आप कितनी भी थियोलॉजी पढ़ा लीजिए, आप कितना भी पीएचडी कर लीजिए बाइबल के अंदर, पीएचडी करने का मतलब यह नहीं है कि आप बहुत ज्यादा ज्ञानी हो गए, कि आपको सब पता चल गया, आप परमेश्वर के सारे भेदों को और सारे रहस्यों को जान गए, नहीं। हाँ, पीएचडी करने वाले और जो थियोलॉजी करे हुए उन्हें बुरा जरूर लग रहा होगा, मगर स्पष्ट बात है, बिल्कुल सही है कि परमेश्वर ने अपने लिए मूर्खों को चुन लिया। किस लिए मूर्खों को चुना, जो इस संसार के ज्ञानी है, जो ये कहते हैं हमने तो बाइबल में पीएचडी हासिल कर रखी है, हमने तो थियोलॉजी कर रखी है, हमने तो इतनी पढ़ाई बाइबल में कर रखी है, उनके ज्ञान को जो है वो नष्ट कर सके। और भी बहुत से ज्ञानी हैं, बहुत सी बातों को लेकर, बहुत सी चीजों को लेकर, और भी बहुत अपना जो ज्ञान फैलाते रहते हैं, जो अपने ज्ञान की बढ़ चढ़ कर जो चर्चा करते हैं उनके ज्ञान को लज्जित करने के लिए। और यहां लिखा है कि परमेश्वर ने निर्बलों को चुन लिया ताकि बलवानों को क्या करें, उनके उनको हरा सकें। अब इसका एग्जाम्पल आपने देखा होगा पिछले संदेश में, दाऊद का एग्जाम्पल दिया था। दाऊद क्या था, बच्चा था, निर्बल था, मगर गोलियत बलवान था, उसके बल को क्या है, धराशायी कर दिया एक निर्बल इंसान ने, यानी दाऊद ने। परमेश्वर ने किस तरीके से काम करता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर ऐसे ही अपनी आत्मा के द्वारा काम करता है। हम अपने ज्ञान पर घमंड ना करें, हमने क्या हासिल कर रखा, कौन सी डिग्री ले रखी है, इस बात पर घमंड ना करें, क्योंकि परमेश्वर जो है घमंडियों के सर को क्या करता है, नीचा करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो घमंडियों को देख नहीं सकता। और आज की अगर हम स्थिति देखें जो भविष्यवाणी की गई है ज्ञान के विषय में, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आइए हम उस भविष्यवाणी को पढ़ लें। योशे 4 अध्याय उसके 6 पद में क्या लिखा हुआ है, बड़ा ध्यान दीजिएगा, होशे 4 अध्याय उसके 6 पद, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई है, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना, इसलिए मैंने तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा, इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। अब यहां क्या लिखा है, परमेश्वर कह रहा है कि मेरे ज्ञान के ना होने से। अब परमेश्वर का आत्मा जो ज्ञान देता है, और जो मनुष्य, आपको आप कहीं पर थियोलॉजी स्कूल जो खड़े हुए हैं वहां पढ़ाने वाला कौन है, वहां पढ़ाने वाला मनुष्य है, क्या वो मनुष्य परमेश्वर के ज्ञान की आत्मा से परिपूर्ण है, क्या वो ज्ञान से बता रहा है, नहीं, वो तो आपको गूगल सर्च करके इधर उधर की हिस्ट्री को लेकर, हिस्ट्री या किताब लेकर, और वो अपना जो है इधर उधर से जोड़ घटा कर वो बता रहा है, परंतु परमेश्वर का आत्मा जब आता है, ज्ञान का आत्मा आता है, वो सीधी सीधी बात आपसे करता है, वो सीधी सीधी चीजें आपको दिखाता है, वो स्पष्ट बात आपको बताता है और जताता है यहाँ परमेश्वर का। अब ये ज्ञान क्या, अब यहां होशे जो है भविष्यवाणी कर रहा कि परमेश्वर के ज्ञान के ना होने से क्या हो गया, कि उसकी प्रजा जो हो गई है वो नष्ट हो गई। नष्ट होने का मतलब है तितर बितर हो गई है, वो समझ ही नहीं पा रही। आज लोग बहुत कंफ्यूज में है कि हम किसकी सुने, क्योंकि आज इतने ज्ञानी हो गए हैं, और ये सब क्या है, परमेश्वर कह रहा है कि तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना। देखिए क्या है, हम परमेश्वर के आत्मा के ज्ञान पे भरोसा नहीं करते हैं, मगर मनुष्यों के साहब इंग्लैंड अमेरिका जर्मन से कोई अगर हमारे देश में आके प्रचार कर ले, वो बहुत अच्छा प्रचारक है। कोई इंटरनेशनल प्रचारक हो तो वो इंटरनेशनल प्रचारक बहुत अच्छा है। कोई अगर थियोलॉजी पीएचडी करे तो वो बहुत अच्छा है। परंतु आपके गली मोहल्ले में से अगर उठकर कोई परमेश्वर के ज्ञान की आत्मा से परिपूर्ण है और वो बता रहा है, अरे बेकार का आदमी है, पैदल चलने वाला, साइकिल पे आने वाला, ये क्या बताएगा, पसीना चूता है, इसकी कौन सुनेगा। आप परमेश्वर के ज्ञान की आत्मा से परिपूर्ण है, आप परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम में आत्माओं को पहचानने की ताकत होनी चाहिए, तुम आत्माओं को पहचानो कि वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। जब हमारे अंदर यही ताकत नहीं है कि हम पहचान ही नहीं रहे कि वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं है,
मगर हम पहचान रहे साहब इंटरनेशनल होना चाहिए, पीएचडी करने वाला होना चाहिए, तो ये चीजें गलत है। परमेश्वर का आत्मा, इसलिए आज जो उसकी भेड़ें क्या हैं वो भटकी हुई हैं, क्योंकि ज्ञान नहीं है। और परमेश्वर कह रहा है मैंने ऐसे जो याजक हैं जो अपने लोगों जो लोगों के द्वारा जो ज्ञान दिया गया उस पर भरोसा करते हैं, उस पर याजक बने घूम रहे हैं, तो ऐसों को मैंने तस दिया, उनके बाल बच्चों को भी छोड़ दिया। आप देख लीजिएगा उनके बाल बच्चों की हिस्ट्री भी आप देख लीजिएगा कि क्या परिणाम होते हैं। और यहां लिखा है अमोस की किताब, अब मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा अमोस 8:11-12 पद तक, यहां क्या लिखा हुआ है 11वें पद में, परमेश्वर की ये वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं अब मैं इस देश में महंगी करूंगा, उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की भूख प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने की भूख प्यास होगी। लोग यहोवा के वचन की खोज में समुन्दर से समुन्दर तक और उत्तर से पूर्व तक मारे मारे फिरेंगे परंतु उसको ना पाएंगे। अब यहां क्या लिखा है, परमेश्वर कह रहा है कि मैं इस देश में महंगी करूंगा। अब क्या कह रहा है, वो कह रहा है महंगाई जो है वो अन्न के नहीं होगी, पानी की नहीं होगी, अन्न की कमी की बात नहीं कर रहा, वो पानी की कमी की बात नहीं कर रहा, वो किसी कर रहा है, वो कह रहा है कि मेरे वचन के सुनने की जो है वो कमी होगी। जी हाँ, वो वचन जो है वो, अब बहुत से लोग कहते हैं कि अंत के दिनों में वचन उठा लिया जाएगा, ये जो बाइबल है बिल्कुल क्या होगी, ये खाली हो जाएगी, ये अक्सर जो है वो मिट जाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ऐसा कुछ नहीं होने, बल्कि परमेश्वर का यही वचन आज सब घर घर में पहुंचा हुआ है, और एक घर में जाने कितनी बाइबल होंगी, परंतु इस वचन को लोगों ने इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि लोगों की समझ में नहीं आता कि सही क्या है। आज वचन में मिलावट करते हैं, गड़बड़ी करते हैं। पौलुस कहता है कि हम मिलावट का वचन नहीं सुनाते हैं। आज इतनी मिलावट हो चुकी है, इतनी मिलावट हो चुकी है कि लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि सही क्या है। और इसको पाने के लिए कि हमें एक सच्चाई मिल जाए, हमें परमेश्वर का सही वचन सुनने को मिल जाए, हमें परमेश्वर के सही वचन का ज्ञान मिल जाए, और वो जो है इधर उधर भटक रहे हैं कि वो देख रहे हैं कि किसके अंदर परमेश्वर के ज्ञान की आत्मा है। अरे किसी के अंदर अगर परमेश्वर के ज्ञान की आत्मा है तो हम उससे सीखें। वो पीएचडी वालों के पास नहीं जा रहे, वो थियोलॉजी वालों के पास नहीं जा रहे, वो इंटरनेशनल प्रीचरों के पास नहीं जा रहे हैं, बल्कि वो इधर उधर भटक रहे, खोज रहे, कह रहे समुन्दर से समुन्दर, वो देश विदेशों में जाकर परमेश्वर के उस ज्ञान को खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि परमेश्वर की वो सच्चाई, वो ज्ञान हमें मिल जाए जिससे हम परिपूर्ण हो जाए। वो पाना चाह रहे थे कि लोगों की आज दशा क्या है। लोग आज परेशान बहुत हैं, आज बहुत है, यहां तक लोग क्या कर रहे हैं, इतने ज्ञानी बन चुके हैं कि उन्होंने अपने आप को प्रॉफिट कहना शुरू कर दिया, अपने आप को खुद कह रहे हैं कि हम प्रॉफिट हैं, हम भविष्यवक्ता हैं, परमेश्वर ने कहा या नहीं कहा ये कुछ मतलब नहीं है। ये सारी चीजें जो है परमेश्वर के ज्ञान के ना होने के कारण है, और यही कारण है कि लोग जो है वो भटक रहे हैं। क्या मैं मेरे साथ निकाल सकते हैं 2 पतरस 2:1, जरा ध्यान दीजिएगा 2 पतरस 2:1। और जिस प्रकार उन लोगों ने झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन करें छिप छिप कर करेंगे, और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इंकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। देखिए यहां क्या, झूठे भविष्यवक्ता के बारे में तो सुना होगा, यहां लिखा झूठे उपदेशक भी खड़े हुए हैं। उनके उपदेश में क्या है, झूठ की बहुत सी बातें आपको देखने को और सुनने को मिल जाएंगी। उनके जीवन को देखिए कि वो देखने को मिल जाएगा कि किस तरीके से परमेश्वर जो के वो छुप छुप कर बहुत से ऐसे काम कर रहे हैं, परंतु सामने वो ऐसा उपदेश जैसे वो परमेश्वर के ज्ञान की आत्मा से भरे हैं। नहीं, ये चीज गलत है। और इसलिए तिमिथियो क्या कहता है, तिमिथियो 2:3, जरा ध्यान दीजिएगा 2:3, यहां लिखा है क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत तेरे उपदेशक बटोर लेंगे। जी हाँ, अब क्या है, और ये बात सही है, आज खरा उपदेश लोग जो है वो सुन नहीं सकते हैं, और खरे जो खरा उपदेश सुनाता है उसके पास आपको भीड़ भी नहीं मिलेगी। जो लिपा चुपड़ी करके जो उनके अनुसार चलता है, नहीं सर भाई आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, नहीं बहन आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, आपको ऐसे ही करना चाहिए, अरे प्रभु दयालु है, परमेश्वर जो है सब कुछ है, आप कुछ नहीं, 10 आज्ञा है, आप 1 मान लीजिए बहुत है। अरे भैया ये कैसा वचन है, ये कैसी शिक्षा है, ये कैसा उपदेश है। यहां परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि लोग जो है वो खरा उपदेश
सह नहीं पाएंगे अपने कानों की खुजली के कारण। कानों की खुजली का मतलब क्या है? अपने मन मुताबिक के अनुसार वचन को सुनना चाहेंगे। और आज ऐसे बहुत से पास्टर्स हैं, ऐसे बहुत से उपदेशक हैं, ऐसे बहुत से प्रीचर हैं जो लोगों की इच्छा के अनुसार उनके वचन को सुना रहे हैं कि नहीं बहन ये बिल्कुल सही बात है, नहीं भाई बिल्कुल सही बात है, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। ये इस तरीके से नहीं है। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, जो परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो परमेश्वर ने अपने ज्ञान का आत्मा उंडेला है, उस ज्ञान के आत्मा के अनुसार वचन सुनाना है। अगर उस ज्ञान की आत्मा के अनुसार वचन नहीं सुनाया जा रहा है तो इसका मतलब हम परमेश्वर के ज्ञान की आत्मा से परिपूर्ण नहीं है, हमें परमेश्वर का ज्ञान ही नहीं प्राप्त है और हम अपनी इच्छा के अनुसार बोल रहे हैं, अपनी समझ का सहारा लेकर हम परमेश्वर के वचन से बातचीत कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कैसे हम परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, जब हमारा जीवन पवित्रता में होता है, जब हम पवित्रता का जीवन जीते हैं, तब परमेश्वर अपने आत्मा को हमारे जीवन में उंडेलता है, ज्ञान के आत्मा से हमें परिपूर्ण करता है। वो जो भी काम लेना चाहेगा, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहेगा हमसे तो पराक्रम की आत्मा देगा, अगर वो बुद्धि का काम लेना चाहेगा तो बुद्धि की आत्मा देगा। ऐसे ही परमेश्वर अपने ज्ञान को फैलाना चाहेगा, अपने ज्ञान को बताना चाहेगा, अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचाना चाहेगा, तो वो अपने ज्ञान की आत्मा से परिपूर्ण करेगा। मगर इसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है? पहली चीज, नीति वचन 2:5, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर के ज्ञान को ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। यहां परमेश्वर का वचन कहता है कि तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। जब तक हम परमेश्वर के ज्ञान को नहीं समझेंगे, जी हाँ, इसके बाद जो है ये छठी आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं, सातवीं आत्मा जो है वो परमेश्वर के भय के बारे में है। जब तक हम उसके भय को नहीं समझेंगे तब तक हम परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जिस दिन हमने परमेश्वर के भय को समझ लिया, परमेश्वर के भय की आत्मा से परिपूर्ण हो गए, हम परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे। जी हाँ, सब एक दूसरे से, देखिए सातों आत्माएं एक दूसरे से लिंक हैं, जुड़ी हुई हैं। अगर आप एक के भी विरोध में कार्य करते हैं तो वो सातों आपके जीवन से निकल कर बाहर खड़ी हो जाती हैं और आपके जीवन से दूर वो आत्मा चली जाती हैं। यहाँ परमेश्वर का वचन जो है इस बात को कहता है। फिर लिखा है, यहाँ लिखा है यहोवा के भय को हम कैसे समझेंगे। पहली चीज, नीति वचन 2:4 में लिखा है, और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगे रहें। देखिए यहां लिखा है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि चांदी के समान ढूंढे। एक चांदी, आप जानते हैं चांदी और सोने को जब ढूंढा जाता है, मैंने बहुत से वीडियोस देखे हैं नेशनल टीवी पर, जब आप देखेंगे ज्योग्राफी टीवी को आप देखेंगे तो वहाँ ज्योग्राफी चैनल वगैरह पे डिस्कवरी पे दिखाया जाता है कि कैसे सोने को चांदी को कैसे निकाला जाता है, कैसे प्राप्त करा जाता है। बहुत मेहनत लगती है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बहुत खोज करनी पड़ती है। बिल्कुल ठीक ऐसे ही परमेश्वर के ज्ञान को भी प्राप्त कर, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अपने जीवन में सुधार लाने की आवश्यकता है, अपने सोच को बदलना पड़ेगा, अपने जीवन को बदलना पड़ेगा और परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार जीवन को जीना पड़ेगा, तब हम उस ज्ञान को जो है वो प्राप्त कर पाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर का भय जो है उसमें क्यों होना चाहिए और क्यों मतलब कि हम उसके ज्ञान को प्राप्त कर सके। मीका 6:9 में लिखा है, यहोवा इस नगर को पुकार रहा है और संपूर्ण ज्ञान तेरे आत्मा का भय मानना है और राजदंड की और जो आज्ञा देने वाला है उसकी बात सुनो। अब यहाँ क्या लिखा है कि सबसे बड़ी बात क्या है, यहोवा जो है वो इस नगर को पुकार रहा है। अब वो नगर, जब हम नगर की बात करते हैं, जहां नगर की बात आती है वहां यरूशलम से संबंधित बात होती है कि परमेश्वर यरूशलम को पुकार रहा है और लिखा हुआ है और संपूर्ण ज्ञान तेरे भय का मानना होता है। जब हम हमारे अंदर परमेश्वर के ज्ञान की आत्मा आ जाती है तो ज्ञान सबसे पहली बात जो हमारे अंदर डालता है कि परमेश्वर का भय मानो। अगर हम ज्ञानी हैं और परमेश्वर की ज्ञान की आत्मा से परिपूर्ण है तो सबसे पहले वो हमें ये सिखाएगा कि हमें हमारे अंदर परमेश्वर का भय होना चाहिए और परमेश्वर जो है वो उनको पुकारता है और परमेश्वर की सुनना चाहिए। वो कहता ना कि और जो आज्ञा देने वाला है उसकी बात को सुनो, जो बात जो पुकार रहा है उसकी सुनना है हमें। जैसे आप मती 17 अध्याय उसके 5 पद पढ़ेंगे तो वहां यीशु मसीह का रूपांतर हो जाता है,
चेहरा बदल जाता है और पतरस ये कहता है यीशु मसीह से कि हम यहाँ पर तीन तंबू बनाए, एक तेरे लिए, एक एलिया के लिए और एक मूसा के लिए। तब एक उज्जवल बादल जो है, एक चमकीला बादल उन्हें छा लेता है और उसमें से एक आकाशवाणी होती है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। हम किसकी सुन रहे हैं? हम जब दूसरे लोगों की सुनने लगते हैं, हम जब मनुष्यों की सुनने लगते हैं, हम जब मनुष्यों के ऊपर डिपेंड होकर अपना ज्ञान प्राप्त करते हैं और हम प्रभु यीशु मसीह की नहीं सुनते हैं, तो फिर हम क्या होते हैं? हम ज्ञानी नहीं होते हैं। और हम प्रभु यीशु मसीह की हमें सुनना है। वो कहता है इसकी सुनो, हमें प्रभु यीशु मसीह की सुनना। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? अपने चेलों से कहा कि जब तक तुम्हें सत्य का आत्मा ना मिले, जब तक तुम्हें वो सहायक ना मिले, यरूशलेम से बाहर मत जाना। ये बात हम पर भी लागू होती है कि जब तक परमेश्वर के ज्ञान के आत्मा से हम परिपूर्ण नहीं हो जाते हैं, तब तक हम परमेश्वर के ज्ञान की बातों को ना करें, ज्ञान की बातों को एक्सप्लेन ना करें। पहले हम ज्ञान की आत्मा को अपने जीवन में ग्रहण करें, उसके बाद हम परमेश्वर के ज्ञान की बातों को करें। परमेश्वर खुद अपने ज्ञान की आत्मा के द्वारा अपने ज्ञान को हमारे जीवन से प्रकट करने लगता है और जो सही में वचन के भूखे प्यासे हैं उन तक उन बातों को पहुंचाता है, उन तक उन बातों को, उन संदेशों को देता है। तो हमें परमेश्वर के ज्ञान की आत्मा से कैसे परिपूर्ण हैं, ये परमेश्वर का वचन जो है वह हमें सिखाता है। नीति वचन 17 का 27 पद है, ध्यान दीजिएगा। नीति वचन 17 के 27 में लिखा है, जो संभल कर बोलता है वही ज्ञानी ठहरता है और जिसकी आत्मा शांत रहती है वही समझ वाला पुरुष ठहरता है। देखिए, संभल कर बोलने का मतलब क्या है? संभल कर यानी सोच समझ के बोलें। कुछ भी बोलते चले जा रहे हैं, कुछ भी कहते चले जा रहे हैं, किसी के विरोध में कहते चले जा रहे हैं। आप देखिए, आप बहुत से लोग जो हैं परमेश्वर के वचन को उठाते हैं, कुछ भी बोलते चले जाते हैं, किसी के बारे में भी बोलते चले जाते हैं, किसी के लिए भी कुछ कह देते हैं, किसी भी कलीसिया के लिए कह देंगे, किसी भी मनुष्य के लिए कह देंगे, किन्हीं भी लोगों के लिए कह देंगे। नहीं, बल्कि परमेश्वर का वचन कहता है कि संभल कर बोलो। पहले आप जांचो परखो कि वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं है बात, वो परमेश्वर के ज्ञान की आत्मा से परिपूर्ण है या नहीं है, परमेश्वर के ज्ञान की आत्मा ने वो बात आपके जहन में डाली है या नहीं डाली है। या बिना डाले आप बोल रहे हैं तो इसका मतलब परमेश्वर के ज्ञान का आत्मा आप में होकर बात नहीं कर रहा है, आप खुद अपनी मर्जी से बात किए जा रहे हैं और जो मुंह में आ रहा है वो बोलते। संभाल कर बोलना, खासतौर से परमेश्वर के वचन में कुछ भी लेकर खड़े होकर सुनाने लगना ये सही बात नहीं है। और लिखा जिसके आत्मा शांत रहती है, बिल्कुल शांत, कोई गाली दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कमेंट कर रहा है, कैसी भी बात बोल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे अपना काम करना। क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान का आत्मा क्या होता है? उसे अपना काम करना होता है। दुनिया के लोग क्या कह रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, किस बात पे कमेंट कर रहे हैं, क्या सुना रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यही बात जिसके अंदर परमेश्वर के ज्ञान का आत्मा होता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो ज्ञान का आत्मा से परिपूर्ण है और ज्ञान का आत्मा अपना कार्य कर रहा है, यानी परमेश्वर के ज्ञान को वो बिखेर रहा है, परमेश्वर के ज्ञान को वो बांट रहा है, परमेश्वर के ज्ञान को सबके जीवन में पहुंचा रहा है। बस उसका पहुंचाने का काम है। उन किसी के जीवन में कोई ज्ञान का ज्ञान, परमेश्वर के ज्ञान की बात जा रही है, कौन क्या देख के क्या कह रहा है क्या, इससे हमें कोई लेना देना नहीं होता है। ये एक पहचान होती है कि ये आदमी जो है, ये पुरुष जो है परमेश्वर के ज्ञान के आत्मा से भरा हुआ है। जी हाँ, नीति वचन 21 के 11वें पद में अब जरा देखेंगे क्या लिखा है। जब ठट्टा करने वाले को दंड दिया जाता है तब भोला बुद्धिमान हो जाता है और जब बुद्धिमान को उपदेश दिया जाता है तब वह ज्ञान प्राप्त करता है। ध्यान करना, बड़ी सिस्टमैटिक तरीके से परमेश्वर का वचन चलता है। क्यों? ज्ञान का जो आत्मा होता ना वो बड़े सिस्टम में सिस्टमैटिक तरीके से कार्य करता है हमारे जीवन में। अब यहां क्या लिखा है, जब किसी ठट्टा करने वाले को, जो ठट्टा कर रहा है, मजाक बना रहा है, मजाक उड़ा रहा है, जब परमेश्वर जो है उसे दंड देता है, उसे डांटता है, तो जो भोला इंसान है सीधा साधा वो कहता अरे भाई सही हो जाए, तो नहीं तो परमे वो क्या होता है, वो बुद्धिमान हो जाता है। वो बुद्धिमान कि अब हमें भी सही चलना चाहिए, परमेश्वर का भय मानना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। तो वो भी परमेश्वर का भय मानने लगता है, कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर मुझे भी दंड देने लगे।
है, ये बात जो है परमेश्वर का वचन एक ऐसा सिस्टम में जाता है कि दंड किसको दिया जा रहा है, ठट्टा करने वाले को, और बुद्धि की आत्मा से कौन परिपूर्ण हो रहा है, भोले और सीधे लोग। जब इस बात को कहीं ऐसा ना हो कि हम भी जो है दंडित हो जाएं। और यहाँ पर एक दूसरी बात और लिखी, और जब बुद्धिमान को उपदेश दिया जाता है तब वे ज्ञान प्राप्त करता है। जब बुद्धिमान जो होता है, जब वो देखता है अरे परमेश्वर ने इस ठट्टा करने वाले को ऐसा दंड दिया, और वो क्या होता है, फिर वो कहता है कि परमेश्वर मैं तेरे ज्ञान की आत्मा से भी परिपूर्ण होना चाहता हूँ। तब वो ज्ञान की आत्मा से भी परिपूर्ण हो जाता है। नहीं, परमेश्वर जो करता है वो सही करता है। ठट्टा करने वालों को और मजाक बनाने वालों को और बुरा करने वालों को और बुराई पे चलने वालों को परमेश्वर कैसे दंड देता है, जब वो ये देख लेता है, तो जो बुद्धिमान होता है वो फिर परमेश्वर की ज्ञान की आत्मा से भर जाता है। और जब वो परमेश्वर के ज्ञान की आत्मा से भर जाता है तो वो परमेश्वर के ज्ञान को क्या करता है, वो चारों तरफ फैलाना शुरू कर देता है। जैसा परमेश्वर का आत्मा सिखाता है वैसा, अपनी ओर से नहीं। एक बात और ध्यान करें, जिसके पास यहोवा का ज्ञान होता है उसे परमेश्वर की सुरक्षा मिलती है। देखिए, परमेश्वर का ज्ञान हमें सुरक्षा प्रदान करता है, ये ध्यान रखें। और यह मैं आपको बताना चाहूंगा, नीति वचन 22:12 पद में यहां लिखा है, यहोवा ज्ञानी पर दृष्टि करके उसकी रक्षा करता है परंतु विश्वासघाती की बातें उलट देता है। यहां क्या लिखा है, परमेश्वर दृष्टि करता है। किस पर दृष्टि करता है? ज्ञानी पर। क्यों ज्ञानी पर? वो ज्ञानी है। किसका ज्ञानी है? वो परमेश्वर का ज्ञानी है। क्यों परमेश्वर का ज्ञानी है? क्योंकि वो परमेश्वर के ज्ञान की आत्मा से परिपूर्ण है। जो परमेश्वर के ज्ञान की आत्मा से परिपूर्ण है वो परमेश्वर का ज्ञानी है। परमेश्वर का ज्ञानी होने का मतलब है कि वो परमेश्वर के ज्ञान को फैलाने के लिए चुना गया है, परमेश्वर के ज्ञान को बताने के लिए चुना गया है, परमेश्वर के ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने उसका अज्ञान की आत्मा से अभिषेक किया है। जी हाँ, ये बड़ी गहरी बातें हैं। और जो विश्वासघाती होते हैं, जो बुराई करने पे लगे रहते हैं, उनको क्या कहता है, उलट देता है, उनकी जिंदगियों को उलट देता है, उनकी जिंदगियों को क्या करता है, खत्म कर देता है, परमेश्वर का वचन जो है बताता है। अब यहां पर एक बात ध्यान दीजिएगा, इसलिए हमें क्या चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? होशे 6:3 पद पढ़ेंगे, यहां पर लिखा है होशे 6:3, आओ हम ज्ञान ढूंढें वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है, वे वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान जिससे भूमि सींची जाती है। देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, होशे कह रहा है कि आओ हम ज्ञान ढूंढें वरन यहोवा के ज्ञान को ढूंढने का प्रयत्न करें, प्रयत्नशील रहें। यानी परमेश्वर के ज्ञान को ढूंढने में आप ढूंढेंगे कैसे? देखिए, ढूंढना क्या है, अपने जीवन को बदलना है, परमेश्वर के उस ज्ञान के आत्मा को प्राप्त करना है। और जब हम परमेश्वर के ज्ञान को ढूंढ लेते हैं, ढूंढने का मतलब पाना, ढूंढने का मतलब होता पाना है। वो मती में भी आपने देखा होगा, मती 7 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, एक खटखटाओ तो खोला जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, है। तो वहां पर क्या है, जब हम खटखटाते हैं तो हमारे लिए परमेश्वर द्वार खोलता है, और जब हम ढूंढते हैं तो परमेश्वर हमें मिल जाता है। यहां पर क्या है कि जब हम परमेश्वर के ज्ञान को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो परमेश्वर कहता है, ये बड़े यत्न से मेरे ज्ञान को ढूंढने की कोशिश में है, मैं अपने ज्ञान की आत्मा से इसे परिपूर्ण करके उस ज्ञान को दूंगा। और फिर वो आशीषें कैसे मिलती है, देखिए, पहली बरसात और अंतिम बरसात जो होती है वो ब्लेसिंग को दर्शाती है, परमेश्वर की आशीष। आप देखते हैं जब पहली बरसात होती है, बड़ी खेत खलियानों के लिए बहुत फायदेमंद होती है, और मूसलाधार बरसात होती है, और जो अंतिम बरसात होती है वो भी बहुत मूसलाधार होती है, और वो भी खेत खलियानों के लिए बहुत अच्छी और लाभदायक होती है, और उस बरसात के समान कंपेयरिंग की गई है। परमेश्वर कहता है जो उसके ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, या उसके ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है, या उसके ज्ञान की आत्मा से भर जाता है, तो परमेश्वर अपनी आशीष जो है वो उनके ऊपर ऐसे ही उंडेलता है जैसे वो पहली और अंतिम बरसात में वर्षा करता है, वैसे ही उस आशीषों की बरसात होती है। होशे 6:6 में लिखा है, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता हूं, और होम वलियों से अधिक यह चाहता हूं कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। देखिए, बहुत से लोग कहते हैं, अरे हमने तो अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया। भैया कहां दे दिया, दिखाई नहीं दे रहा है।
हैं, हम परमेश्वर को इतना देते हैं, हम अपना दशमांश देते हैं, हम अपनी समय देते हैं, हम परमेश्वर के लिए हमने अपना पूरा जीवन दे दिया। अरे क्या दे दिया परमेश्वर, क्या कह रहा है? परमेश्वर सिर्फ एक बात से प्रसन्न होता है और वो इस बात से उसे खुशी होती है कि लोग मेरे ज्ञान से भरे हुए हैं। उसके ज्ञान से भरने का मतलब है कि उसकी ज्ञान की आत्मा से परिपूर्ण है, और परमेश्वर चाहता कि हर एक जन उसकी ज्ञान की आत्मा से परिपूर्ण हो, उसकी ज्ञान की आत्मा से भर जाए, यही परमेश्वर चाहता है। और इसलिए जो परमेश्वर की ज्ञान की आत्मा से परिपूर्ण है, जिसके पास परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त है, जिसने परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, उसके लिए परमेश्वर क्या कहता है, लास्ट में दो पद पढ़ाना चाहूंगा फिर खत्म करूंगा। मलाकी 2:7 में लिखा हुआ है, क्योंकि याजक को चाहिए कि वे अपने होंठों से ज्ञान की रक्षा करें और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछे, क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का दूत है। यहां पर दो चीजें, होंठ और मुंह, ध्यान दीजिएगा, होंठ और मुंह। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि याजक को चाहिए कि वे अपने होंठों से किसकी रक्षा करे, उस ज्ञान की रक्षा करे जो परमेश्वर ने उसे ज्ञान दिया है, जिस ज्ञान की आत्मा से वो परिपूर्ण है उसकी रक्षा करे, कहीं वो निकल कर उसके जीवन से चली ना जाए, कहीं वो निकल कर उसके जीवन से दूर ना हो जाए। इसलिए उसको अपने उन बातों की, उन चीजों की, अपने जीवन की रक्षा करते रहना है कि कोई ऐसी बात मेरे जीवन में ना आ जाए जिससे परमेश्वर के ज्ञान का आत्मा मुझसे नाराज होकर ना चला जाए। और वो क्या कहता है यहाँ पर लिखा, उसके मुंह से व्यवस्था पूछे, वे सेनाओं का यहोवा का दूत है, और लोग उसके पास आकर जो है उसके वचन को पूछे, उसकी व्यवस्था को पूछे, क्योंकि वो कौन है। देखिए याजक को चाहिए, छोटे में नहीं लेना चाहिए, वो कहता है जो मेरे दास को छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। याजक कौन है? या परमेश्वर का जो जन है वो याजक जो है, जो सेवक है, वो परमेश्वर की सेनाओं का दूत है। जी हाँ, वो दूत है, वो सेनाओं का दूत है। और वो सेना किसकी है? वो ज्ञान की जो सेना है, बनाई है परमेश्वर ने, उस ज्ञान की सेना का वो दूत कहलाया जाता है। ये ध्यान रखें, परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए मैंने एक बात यहां पर कही थी इस पद को पढ़ने के, होंठों और मुंह को क्या करें, सुरक्षित रखें। कैसे? एक प्रार्थना करनी चाहिए। हम लोग, बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं ना, परमेश्वर ये दे दे, परमेश्वर वो दे दे, मेरे जीवन को बचा ले, मेरे जीवन को ये कर ले, मेरे जीवन को ऐसा बना दे, और मेरे जीवन में ये है, ये इस कमी को दूर कर, ये कर वो कर। मगर करनी कहाँ चाहिए? जीवन में जो बुराई आती है और यह बुराई हमारे जीवन से निकलती, वो निकलती कहाँ से? हमारे मुंह से या होंठों से निकलती है। और इसलिए याकूब भी कहता है कि जीभ जो है वो क्या है, एक आग के समान है, और वो सारे जीवन को जो है जलाकर विनाश कर देती है। और इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, लास्ट पद है भजन संहिता 141 का 3 पद, जरा ध्यान दीजिएगा। हे यहोवा, मेरे मुख पर पहरा बैठा और मेरे होंठों के द्वार की रखवाली कर। देखो दाऊद यहां क्या कह रहा है, हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा दे कि जो तेरे ज्ञान की बातें हैं वो तेरे ज्ञान की बातें मेरे मुख से वैसे ही निकलने पाए जैसा ज्ञान का आत्मा चाहता है या जैसा तू चाहता है, और मेरे होंठों के द्वार की रखवाली कर कि मेरे होंठों से कोई ऐसी बात या कोई ऐसी गलत बात ना निकलने पाए जिससे वो ज्ञान की आत्मा मुझसे दूर हो जाए या जिससे मेरा जीवन नरकीय बन जाए। मेरे प्यारे भाइयों, क्या लिखा हुआ है यहाँ, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कभी प्रार्थना करी है, प्रभु मेरे मुख पर पैरा बैठा, मेरे होंठों की रखवाली कर? आज हमें यही करने की आवश्यकता है ताकि जो परमेश्वर का ज्ञान जैसा दिया है वो ज्ञान हमारे मुख से वैसे ही निकलने पाए। आइए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर कहता है कि हम परमेश्वर के ज्ञान की आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं और उस ज्ञान को प्राप्त कर लें जो स्वर्गीय ज्ञान है, जो अद्भुत है, जो अनोखा है, जो सामर्थ्य ज्ञान है, उस ज्ञान से भर जाएं और परमेश्वर के राज के खुद भी बारिश हो सके और बहुत से लोगों को परमेश्वर के इस ज्ञान के द्वारा परमेश्वर के राज के बारिश बना सके। प्रभु आप सबको आशीष दें।